गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग सोचेंगे सुबह सुबह क्यों वीडियो। सो आज से मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट है आफ्टर ऑलमोस्ट 6 मंथ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊँ कि घर से यूनिवर्सिटी का सफ़र आफ्टर 6 मंथ। तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी उठ गई हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं उठने के बाद क्या क्या करती हूँ। मैं फ्रेश होती हूँ सुबह उठ के, फिर उसके बाद मैं रेडी होती हूँ। अच्छा, एक सैड रियलिटी है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है, मेरी यूनि में यूनिफॉर्म है। सो गाइस, अब मैं रेडी हो रही हूँ इस यूनिफॉर्म के साथ और आपके पास अभी हाजिर होती हूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और अब हूँ मैं अपनी फेवरेट जगह पे, जो है किचन। सो ये रहा हमारा किचन। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊंगी कि जब भी हम जाए कहीं बाहर सुबह, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, कहीं भी जाए, तो हमें सुबह नाश्ता करना ज़रूरी है, जो कि अक्सर मैं भी नहीं करती लेट की वजह से या कुछ भी वजह से। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ इसी वजह से कि मैं नाश्ता करूँ, क्योंकि मेरी क्लास 9 बजे से 1 बजे तक है और बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है, तो नाश्ता करके ही जाना है। तो चलें हम अंडा बनाते हैं। ये हो रहा है हमारा अंडा रेडी। ये मैंने रख लिया है पानी बॉइल करने। तो आज मैं पीऊँगी ग्रीन टी। वैसे यूजली मैं ग्रीन टी नहीं पीती हूँ, पर आज मुझे शौक करा तो मैं पीऊँगी ग्रीन टी। ओके, सो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लाजमी हैं जो हमें घर से बाहर निकलने से पहले ले जानी चाहिए। ओके, सो मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगी जो कि हमें बाहर निकलने से पहले लेके जाना ज़रूरी है एज अ सेफ्टी, जो कि आजकल हमारा वायरस का एनवायरनमेंट चल रहा है। तो ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपने सामने वाले के सेफ्टी के लिए लेके जाएं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारा मास्क, फिर सैनिटाइज़र जो कि हमें हर थोड़ी देर के बाद यूज़ करना चाहिए, और ये हमारी पानी की बॉटल जो कि हमें एज अ सेफ्टी अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि हम किसी और के साथ अब शेयर नहीं कर सकते कुछ भी। तो हमें अपने साथ अपनी पानी की बॉटल, अपना मास्क और अपना सैनिटाइज़र लेके जाना चाहिए। ये है मेरा पेपर स्प्रे, जिसकी वीडियो मैंने आपको लिंक बॉक्स में दे देती हूँ। ये मैंने सिखाई थी कि किस तरीके से बनता है, ये हम अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने साथ ये चीज़ें अपने बैग में रखती हूँ। सो अब मैं निकल रही हूँ अपनी यूनि के लिए और मैं वहाँ जाके अपनी वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं, जैसे कि आप लोग सबको दिख रहे हैं, और मैं हो गई हूँ 15 मिनट लेट। अब मैं क्लास में जा रही हूँ, तो मैं आप लोग को थोड़ा हमारी यूनिवर्सिटी भी दिखाती हूँ। ये है लाइब्रेरी जहाँ हम सिर्फ फ़ोटो लेने जाते हैं, ऑडिटोरियम जहाँ से हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट डे गए थे। ये मेरा ब्लॉक ए जहाँ मेरी क्लासेस होती हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी। हम क्लास में पहुँच गए। ये हमारा सोशल डिस्टेंस है। हमें इतनी बातें करनी है, मैं सोशल डिस्टेंस की आ गया। सो गाइस, मैं यूनिवर्सिटी से आ चुकी हूँ और मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं, मैं कितनी थकी हुई हूँ। हम किस हाल में जाते हैं और किस हाल में आते हैं। अच्छा, तो मेन मेरा बताने का ये मकसद है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में SOPs बिल्कुल फॉलो हो रही हैं और सोशल डिस्टेंस है, सबको मास्क वेयर करना ज़रूरी है, हमें बाहर नहीं जाने देते 9 से 1 बजे के जो हमारे टाइमिंग है, हमें उसी टाइमिंग पे रहना होता है। क्लास में टीचर ना भी आए या कुछ भी हो, हमें बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और आप लोगों को भी अपनी केयर खुद ही करनी है, मास्क वेयर करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है।
और जिस आप अपनी अपनी हिफाजत खुद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी, मतलब कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो तो आपकी फैमिली पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए कहने का मकसद ये है कि आप अपनी खुद की हिफाजत, एक तो आप अपनी खुद की भी हिफाजत करेंगे, अपने सामने वाले की भी और अपनी फैमिली की भी करेंगे। तो स्टे सेफ, स्टे होम, और ज़रूरत पे अगर बाहर जाना हो तो SOPs का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सो होप सो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कुछ अच्छे के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होंगी। अभी के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।